खेल रहे हो? हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, मेरा नाम डिंगो है और मैं एक छोटा सा प्यारा सा बिगल हूँ। मैं भी बहुत सारे बच्चों की तरह लॉकडाउन में पैदा हुआ था, क्योंकि कहते हैं मेरे मम्मी पापा के पास करने को खास कुछ काम नहीं था। नतीजा, मैं इस दुनिया में आया। और इससे पहले कि मुझे पता चलता कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ और मैं कहाँ हूँ, मुझे अभी भी वो दिन याद है कि मैं एक छोटे से यंत्र जिसमें चार पहिए थे और एक छोटे से क्रेट में बैठ करके पहुंच गया एक बहुत ही प्यारे फैमिली के पास, जिसको कहते हैं इंसान। थैंकफुली ये सारी चीज़ें वीडियो में कैद हैं, और ये तब की वीडियोस हैं जब ये चैनल बना भी नहीं था। लेकिन मुझे बहुत प्यारा सा एक घर मिला, बहुत प्यारा सा परिवार मिला, दो बड़े बड़े इंसान मिले जिसको मैं मम्मी और दादा कहता हूँ, और एक छोटा सा बच्चा जिसको मैं अपना भाई कहता हूँ। हंग्री क्या बाबू? खाना आ गया। कम मामा, मम्मा ने खाना बना दिया। अच्छा जो ओया I'm a happy mother. पेट भरा, पेट भरा बाबा, भरा। So it's 47 days today and feeling good? Yeah, feeling fantastic. अच्छा, इसके सर पे क्यों हाथ फेर के खिला रही? हाँ, सो दैट उसको आदत हो जाए ना, खाने के टाइम भी अगर मैं टच करूँ तो बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो गुस्सा नहीं करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सो दैट वो हम उसके साथ है खाने के टाइम और उसका खाना नहीं छीनेंगे, तो exactly. उसको आदत रहेगा। सो वाइल्ड एनिमल्स हैव एन इंस्टिंक्ट दैट यू नो दे विल अटैक यू। पेट्स आल्सो हाँ। So, जब भी आप बचपन से ऐसा बड़ा करते हो अपने पेट को, he learns it. Wow. उनको इनसिक्योरिटी होता है ना खाने कि कोई उनका खाना ले जाएगा। पहले कुछ दिनों तक कैसे तुमने खिलाया? पहले कुछ दिनों तक तो फोर्स फीड किया, चम्मच से मुंह में जबरदस्ती खाना डाला। And we got a bottle, feeding bottle. उसके बाद we got a feeding bottle, जो बच्चों का बॉटल होता है। एंड उससे भी हमने थोड़ा जबरदस्ती खिलाया था कुछ दिनों तक। और फर्स्ट फ्यू डेज यू नो, बट जस्ट अ कपल ऑफ डेज आई थिंक। उसके बाद तो अभी तो मैं समझ जाती हूँ, बिकॉज वो अपनी तरीके से मुझे बुलाता है कि मामा भूख लगा है खाना दे दो। नो मामा, फिनिश। और नाउ आई विल टेक हिम टू द पॉटी to our toilet because it's raining outside. और ताकि वो अपना गंद स्मेल लेकर के वहीं पे वो अपना पी और पू कर ले। पी पू। Amazing. कान में पूरा लग गया। मैं तुम्हारे कान को पकड़ती हूँ, खाओ। हमने एक मूवी देखा था डम्बो। कहने को तो ये इंसान मम्मी और दादा है, और इन्होंने मुझे पैदा भी नहीं किया, बट हर एक दिन
और हर एक रात को खास करके दो दो घंटे में उठ करके मुझे सुसु कराना, मुझे पॉटी करवाना। और मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मुझे बहुत सारा प्यार मिला। पहले कुछ दिनों तक तो मैक ने खाना पीना तक नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैं एडजस्ट होता गया और उस घर में मैं सेटल होता गया। मुझे सुबह उठना जल्दी बहुत पसंद था और सुबह उठ के कुछ खिलौने भी नहीं थे, मैं खेलता रहता, घूमता रहता और उन्हें बीच बीच में बुलाता भी रहता। और फिर थोड़े दिनों में शुरू हो गए मेरे ऑफलाइन क्लासेस। बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस करते थे लेकिन मुझे ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लासेस करना पड़ता। खाने का नियम, बैठने का नियम, उठने का नियम, लेकिन क्या करें, बिना नियम और बिना डिसिप्लिन के लाइफ तो चलती ही नहीं। ओके, गुड बॉय, गुड बॉय मेरी जान। आई लव यू सोनो पू। I have to hold his ears. उसके कान पकड़ के रखना पड़ता है, otherwise this goes into the food. क्या करें? Mama of a beautiful, bigger poo. Poo. तो vacuum cleaner. ऐसे मत करो, ऐसे मत, नजर मत लगाओ. नजर नहीं लगाओ. Oh, सुनो. Oh, poo. Sit. Stay. Okay. Good boy. Shabash. Very good boy. Beautiful. जब भी मम्मा और दादा मुझे देखते नहीं, मैं मौका चुरा करके कोई ना कोई बदमाशी जरूर करता। आपने भगवान की स्थापना से लेकर के फूल खाया है, फूल खा रहे हो, फ्लावर्स। और जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है वो है नहाना। मुझे पानी से खास नफरत है, चिड़ मचता है, लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती नहलवाते हैं। और एक बार तो मेरे नाखून काटते वक्त मैंने डॉक्टर साहब को काट तक दिया था। मुझे चोरी करना बहुत पसंद है और मुझे क्या क्या चीजें चुरानी पसंद है ये आप मेरे आने वाले एपिसोड्स में देखना। लॉकडाउन हो तो चाहे इंसान हो या जानवर, सबको घर के अंदर कैद रहना पसंद नहीं है। पर जल्दी ही एक गुड न्यूज आ गया और मैं मम्मा दादा और भैया के साथ चला गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। वहाँ जंगल और घास और हवा में जो तरह तरह के खुशबू और सुगंध है वो सब सूंघ कर तो मैं एकदम खो गया पूरी तरह से। घर से निकलते ही और हाईवे पे पहुंच करके मैं तो खो गया। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स, हाईवे और इतने सारे वाहन रास्ते पे चल रहे थे, मानो मैं अलग दुनिया में ही आ गया। मम्मा और दादा और भैया ने मेरे को बहुत घुमाया और मैंने बहुत मज़ा किया। मैंने दौड़ा, कूदा, उछला और ना जाने मैंने क्या क्या किया। और बाय द वे मैं कुछ नन्हे मुन्ने अपने ही बिरादरी के पपीज के साथ मिला। हालांकि मैं उनसे चिढ़ रहा था और वो भी मेरे से चिढ़ रहे थे, बट मुझे अच्छा बिल्कुल लगा। फिर एक ऐसा वक्त आया मेरे लाइफ में जब मैं 7 से 8 महीने का हो गया था और मेरी आंखों में एक बीमारी हो गई
जिसको कहा जाता है चेरी आई। बट उस दौरान मम्मा और दादा ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे को डॉक्टर के पास ले गए और मेरी आंखों से डॉक्टर साहब ने उस चेरी आई को अच्छे से निकाल दिया। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ और कहते हैं अब मैं जवान भी हो गया हूँ। अब मैं 1 साल का हो गया हूँ, मुझे अभी बाहर जाना भी अच्छा लगता है। अब मुझे थोड़ा सा दाएं और बाएं देखना भी अच्छा लगता है। बगल वाले फ्लैट में जूली रहती है, वो मुझे बहुत पसंद है कि जूली मेरे से साइज में बड़ी है। दादा कहते हैं कि उसकी बिरादरी भी अलग है क्योंकि वो गोल्डन रिट्रीवर है, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अगर ये सब देखना चाहते हो और मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन को देखना चाहते हो और ये भी देखना चाहते हो कि कैसे मैंने खोज खोज करके घर में सामान निकाला, तो मेरे आने वाले एपिसोड्स को जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। किसका बेटा? गुड बॉय। 1 2 3